छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर। जी हां, छतरपुर का जो मामला था काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, धरना भी दिया था, थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए थे। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए बिल्कुल सुमेत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेसियों के जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शायद जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन शायद करीब 60 से 70 लोगों के खिलाफ खजुराहो थाना में, छतरपुर जिले का जो खजुराहो थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें आरोप है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन के इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था खजुराहो थाना के सामने। जैसा कि विदित है कि खजुराहो थाना के इलाके में राजनगर विधानसभा सीट के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत हुई थी, उसी मामले को लेकर दिग्विजय सिंह जब शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए खजुराहो पहुंचे थे मृतक के घर, तो उसके बाद वह सीधे अपने कांग्रेसी नेताओं के साथ खजुराहो थाना के सामने धरने पर बैठ गए थे। और उनका यह धरना करीब 16 घंटे खजुराहो थाना के सामने दिन रात चलता रहा था। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने चारपाई यानी खटिया पर धरना स्थल पर ही रात गुजारी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब एक्शन में आई है और जो कांग्रेस के नेता हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो पुलिस का यह बड़ा एक्शन माना जा सकता है, जिस तरह से धारा 188 के तहत खजुराहो थाना में पूरा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह सहित जो राजनगर विधानसभा सीट के जो विधायक हैं विक्रम सिंह और नाती राजा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, उन दो लोग नामजद एफआईआर हुई है। इसके अलावा अन्य जो हैं वो 60 से 70 कांग्रेसी नेता बताए गए हैं जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल नरेंद्र, इस मसले ने काफी राजनीतिक तूल लिया, काफी चर्चा हुई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है, आचार संहिता लगी थी तब भी दिग्विजय सिंह 50 से 60 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए थे, ये बात अलग है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सुर्खियों में लगातार दिग्विजय सिंह बने रहते हैं, चुनाव के वक्त भी, प्रचार के वक्त भी, जब वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग की बारी है, एक बार फिर से चर्चाओं में दिग्विजय सिंह। देखिए समित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और प्रचार के दौरान या उसके पहले की बात कहें, अपने तीखे बयानों के लिए दिग्विजय सिंह अपने उठपटांग बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। यहां तक कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया था बावजूद उसके भी कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद उसको जिस तरह से राजनीतिक यहाँ पर रंग दिया गया है, उसके बाद दोनों पार्टियां चाहे सत्ताधारी पार्टी हो भाजपा, वो भी तत्काल एक्शन में भी नजर आई थी। तो बीडी शर्मा कल छतरपुर आए हुए थे, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मुलाकात करके मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चूंकि वो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए खजुराहो आए थे, बावजूद इसके भी उन्होंने वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे और धरने पर बैठकर वह पूरा मामला जो काफी सुर्खियों में रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा एक्शन किया, जिसमें दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के विधायक नाती राजा और ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। और आइए अब देखेंगे 15 सेकंड में खबरें।